अब ग्रीक माइथोलॉजी से सबसे पहला रूबरू दो ही तरीकों से होता है लोगों का, या तो गॉड ऑफ वार खेल के, क्योंकि हम लोग बचपन में ही काफी कूल और ठरकी थे, अभी भी हैं, पर आजकल अपनी वासना के लिए गेम नहीं खेलने पड़ते, बड़ा हरामी हो बेटा। और दूसरा पता चला था डीसी की वंडर वुमन स्टोरीज से, क्योंकि वो ज्यूस की बेटी थी। और हाँ, ऐसे हमें ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में पता चला कि वहाँ के गॉड्स एक से बढ़कर एक कमीने थे। तो इस ब्रह्मांड के आरंभ में कुछ नहीं था, सबसे पहली क्रिएशन थी गाया यानी कि धरती माँ, और उससे पैदा हुआ यूरेनस जो कि स्वर्ग था, और फिर आए टाइटंस जो इनके बच्चे थे स्वर्ग और धरती के। पर यूरेनस को बच्चे पसंद नहीं थे तो उसने उन्हें बंद कर दिया, पर गाया को ये चीज पसंद नहीं थी। आखिर माँ जो थी उसने अपने बेटे क्रोनोस को जो मेन टाइटन था उसे एक हथियार दे दिया। क्रोनोस चुपके से अपने बाप का इंतजार करता है, और जैसे ही यूरेनस उसकी माँ के साथ सोने आया, क्रोनोस ने उसके नीचे का सामान ही काट दिया और अपने टाइटन भाइयों और बहनों को आजाद कर दिया, जिससे शुरुआत हुई एज ऑफ टाइटन की। पर यहाँ एक भविष्यवाणी थी कि क्रोनोस के बच्चे उससे पावर छीन लेंगे जब वो पैदा होंगे, तो वो उनको सीधा निगलने लग गया। पर क्रोनोस की बीवी दुखी थी क्योंकि उसके बच्चे मारे जा रहे थे और वो भी तो एक माँ ही थी, तो उसने गाया से मदद मांगी और गाया तैयार हो गई क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो इन दोनों सास बहू ने मिलकर क्रोनोस को बेवकूफ बनाया और ज्यूस को छुपा लिया, और इसी तरह ज्यूस बड़ा हुआ और अपने बाप क्रोनोस को मार दिया, अपने भाई बहनों को चुराया और गॉड्स वर्सेस टाइटंस की वार स्टार्ट कर दी। ये युद्ध सालों तक चला जिसमे ज्यूस ने कई कैदियों को छुड़ाया टाइटंस से। उनमें से कुछ थे साइक्लॉप्स जिन्होंने ज्यूस को थंडरबोल्ट, पोसाइडन को ट्राइडेंट वगैरह दिए, जिससे गॉड्स और ज्यादा पावरफुल हो गए। और इस युद्ध में आखिरकार गॉड्स की जीत हुई और उन्होंने टाइटंस को अंडरवर्ल्ड की जेल में डाल दिया, जिनमें मेन गॉड्स थे ज्यूस, पोसाइडन और हेडीस। तो अब बात करते हैं ज्यूस की, जो फेमस है अपने कांडों की वजह से कि हर होल उसका गोल है, चाहे इस बंदे को जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। माउंट ओलिम्पस में रहने वाला आसमान का देवता था ज्यूस, उसकी वजह से ही मौसम था। ज्यूस ने अपनी ही बहन से शादी की थी जिससे उसे बच्चा हुआ एरिस, और जो ये दूसरे गॉड्स हैं जैसे कि एथीना या अपोलो, ये सब आए थे ज्यूस के हर जगह मुंह मारने की वजह से। तुम ऐसा समझ लो कि ग्रीक में हर जगह उसके बच्चे थे अर्थ पे। और हाँ, हरकुलिस भी ज्यूस का ही बेटा था, पर वो ज्यूस के इंसानी औरतों पर नजर डालने का नतीजा था। दूसरा गॉड था पोसाइडन, जिसके पास त्रिशूल था जो समुद्र पे राज करता था, और जो जमीनी तूफान आते थे जैसे कि सुनामी या भूकंप, ये सब पोसाइडन की ही देन थी। पोसाइडन का रोल इतना था कि तुम उसे खुश रखो वो तुम्हें खुश रखेगा, और अगर तुमने उसको सैक्रिफाइस नहीं दिया, थोड़ी भी कमी छोड़ी, तो वो तुमको डुबा डुबा के मारेगा। एक बंदे ने उससे दुश्मनी ली थी तो पोसाइडन ने उस बंदे की बीवी का टांका भिड़ा दिया था एक बेल से। और अब आते हैं हेडीस पर, सबसे बड़ा भाई जो तुम बोल सकते हो कि मूवीज में किसी भी कहानी में अंडरवर्ल्ड का डॉन, शैतान ऐसे दिखाया जाता है, पर असल में वो ग्रीक गॉड्स में सबसे अच्छे गॉड्स में से एक है, जो ये प्रूव करता है कि बुरी जगह पर रहने से कोई बुरा नहीं हो जाता, और अच्छी जगह पर रहकर भी लोग ज्यूस जैसे कमीने बन सकते हैं। हेडीस चाहे ग्रीक गॉड्स में डेथ की तरह हो, पर वो सबसे चिल और लविंग गॉड था। जब बाकी के दोनों गॉड्स रेप और वायलेंस में बिजी थे, तो ये अंडरवर्ल्ड का रूलर अपनी वाइफ से लॉयल था। उसकी बीवी और उसके बीच इतना प्यार था कि वो अपनी खुशी से उसके साथ अंडरवर्ल्ड में रहने आती, और जब वो अंडरवर्ल्ड में नहीं होती तो हेडीस बस उसका इंतजार करता, क्योंकि जो उसकी वाइफ की माँ थी वो भी गॉडेस ऑफ फार्मिंग थी, तो उसकी वाइफ को वापस आना पड़ता था अपनी माँ के पास, वरना अगर उसकी माँ गुस्सा हो गई, जो वो पहले हो चुकी थी ऑलरेडी, जब हेडीस ने उसकी बेटी को अंडरवर्ल्ड में लाया था, तो वो गॉडेस सबको भूखा मार देती थी बिना फसल के। तो हॉलीवुड पे भरोसा मत करो, हेडीस एक अच्छा गॉड, एक अच्छा पति और एक अच्छा रक्षक था जो अपनी ड्यूटी से बंधा हुआ था। अब नॉर्थ से अलग, यहाँ एक्चुअली अगर तुमने अच्छा काम किया है जिंदगी में, तो हेडीस के अंडरवर्ल्ड से तुम स्वर्ग में जाओगे। यहाँ तक कि जो ससुरे न्यूट्रल हैं, जिन्होंने ना तो अच्छा काम किया है ना ही बुरा, उनके लिए भी एस्फोडिल नाम की एक फूलों से भरी जगह है। अब अगर तुम बुरे हो तो नर्क में जाओगे, जहाँ टाइटंस भी कैद हैं। अब यहाँ और भी कई गॉड्स हैं, जैसे कि अथीना जो ज्यूस के सर को चीर कर निकली थी, वो भी युद्ध के कपड़े पहने। अथीना बेसिकली ऐसी गॉड थी जिसे हीरोज पसंद थे, तो अगर तुम किसी हीरोइक जर्नी पे हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी ही। और उसके ऊपर एक टेम्पल भी है जिसका नाम पार्थिनॉन है, चाहो तो गूगल कर सकते हो, उसका मतलब होता है वर्जिन, जो कि अथीना थी भी। अब ज्यूस की बहन या कहूँ बीवी हेरा, जो कि है तो अच्छी गॉड, लेकिन वो अपने पति के कारनामों में हमेशा बदला ढूंढती रहती है। और हाँ, इसी ने ही
हरकुलिस की लाइफ को नर्क बना के रख दिया था। और फिर था एरीज, सबसे वाहियात क्रूल गॉड जिसे कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके कोई मोरल्स नहीं थे। वो गॉड ऑफ वॉर था तो उसे बस जंग से मतलब था। बाकी अपोलो और हर्मिस जैसे गॉड्स भी थे जो उतने खास नहीं थे। और ग्रीक माइथोलॉजी में क्रेटोस कौन था और वो अपने बैडास वाले क्रेटोस से कितना अलग था? तो ग्रीक माइथोलॉजी में क्रेटोस एक दैविक अवतार था बल का। बल, स्ट्रेंथ, ताकत, कुछ भी बोलो, क्रेटोस उसी को रिप्रेजेंट करता था। क्रेटोस बेटा था पेलेस, जो कि एक टाइटन था, और स्टिक्स, जो कि एक नदी थी धरती और अंडरवर्ल्ड को बांटने वाली उनका। क्रेटोस और उसके भाई बहन थे नाइकी, ना 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 ना, वो जूते वाला नहीं बल्कि विजय का अवतार, बिया पावर की अवतार, और जेलूस ग्लोरी और जलन का अवतार। मतलब ये चारों भाई बहन इंसानों के अलग अलग व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करने वाले अवतार थे। क्रेटोस एक गुस्से वाला अवतार था जिसे क्षमा माफी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो ज्यूस का बहुत बड़ा वाला चमचा था और हमेशा मरने मारने की बातें करता रहता था। और बेसिकली वो बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर था पूरी ग्रीक माइथोलॉजी में, जो ज्यूस के किसी सोल्जर से ज्यादा कुछ नहीं था। तो नाम के अलावा अपना वाला क्रेटोस बिल्कुल अलग है। तो ये तो हुई क्रेटोस की कहानी। अब बात करते हैं ज्यूस की, क्योंकि और किसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो हेरा हमेशा गुस्से में रहती थी क्योंकि ज्यूस हमेशा घर के बाहर इंसानों के साथ मुंह मारता रहता था। तो एक अच्छी बीवी क्या करेगी जब उसका पति उसको छोड़कर बाहर दूसरी औरतों के साथ मजे लेता फिरेगा? तो वो उन औरतों को सजा देगी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्योंकि पुराने ग्रीक में तलाक के लिए अच्छे वकील जो नहीं थे, तो हेरा उन बेचारी औरतों की जिंदगी नरक बना देती थी। पर हेरा एक और काम करती थी जिससे वो ज्यूस के बिना भी जिंदगी में अच्छा पल बिता सके। तो मस्त साल में एक बार मैजिकल पानी में नहाने जाती थी, और जैसे ही वो उस पानी में मस्त टाइम बिताती थी, उसकी वर्जिनिटी वापस से सही हो जाती थी। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि वो ज्यूस या कितने भी दूसरे लोगों के साथ रात बिताए, हर साल वो एक वर्जिन की तरह वापस ओलंपस में अवेलेबल होती थी। तो अब सवाल ये आता है कि ज्यूस अगर इतना ही खराब था तो हेरा ने उससे शादी क्यों की? उसके बारे में बात करने से पहले चलो मैं बताता हूँ कि ज्यूस किस हद तक गया था सेक्स के लिए। तो एक बार की बात है, लेडा जो कि एक प्रिंसेस और स्पार्टन क्वीन थी, ज्यूस को वो पसंद आ गई थी। अब ज्यूस को पसंद आ गई मतलब बंदे को वो चाहिए ही चाहिए। मेरे लिए कुछ और मिस्टर स्टार? नहीं, और कुछ नहीं मिस रश्मन, थैंक यू वेरी मच। मुझे यही चाहिए। तो इस बार ज्यूस ने कुछ अलग किया, उसने एक हंस का रूप लिया और लेडा को सेड्यूस करने चला गया। अब पता नहीं लेडा ने हंस में ऐसा क्या देखा, पर वो उसके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो गई। और इससे हुआ क्या कि उस लेडा ने एक अंडा दिया। जी हाँ, हंस बने ज्यूस के साथ सोने की वजह से एक इंसानी औरत ने अंडा दिया, और उस अंडे से जो लड़की पैदा हुई हेलेन ऑफ ट्रॉय, वो उस समय की सबसे खूबसूरत जिंदा औरत कहलाई। तो वापस से सवाल वही आ जाता है कि ऐसे घटिया आदमी के साथ हेरा ने शादी क्यों की? क्योंकि ना सिर्फ वो एक गॉड थी बल्कि वो ज्यूस की बहन भी थी, वो किसी और को भी ढूंढ सकती थी। तो ऐसा क्या था कि ज्यूस ने हेरा को शादी के लिए सैकड़ों सालों तक कहा, पर हेरा हमेशा उसे मना कर देती थी? तो जैसा मैंने ऊपर की कहानी में बताया, ज्यूस एक कोयल में चेंज हो गया जो कांप रही थी। तो हेरा बेचारी कोयल को देखकर उसे अपने छाती के पास पकड़ती है, और ज्यूस उसी टाइम अपने असली अवतार में आ गया और हेरा चौंक गई। पर हेरा की कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए ज्यूस ने उसी टाइम हेरा के साथ जबरदस्ती कर ली, और हेरा ये सच किसी के सामने नहीं आने देना चाहती थी, तो अपनी शर्म को बचाते हुए उसने ज्यूस से शादी कर ली। ससुरा, इसमें शर्म नहीं है इन लोगों को? और इसीलिए हेरा उन औरतों पर गुस्सा उतारती है जिनसे ज्यूस अफेयर करता है, और इसीलिए बार बार उस पानी में नहाती रहती है कि शायद उसके दाग धुल जाएं। तो ये थी कहानी ज्यूस और उसकी वाइफ हेरा की। मैंने एफ्रोडाइट के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ हाँ, वही एफ्रोडाइट जिसको शायद तुमने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में देखा ही होगा, जिसे सेक्सुअल लव और खूबसूरती की देवी भी कहा जाता है, और इसके पर्वतों को दो डीमंस थामे रहते हैं। पर उस यूनिवर्स में जहाँ ज्यूस और उसके भाई पोसाइडन जैसे ठरकी लोग रहते हैं, वहाँ पर प्यार की देवी कैसे काम करती होगी? तो अभी उसी पर बात करते हैं। और हाँ, ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड कहानियां हैं। पहले बात कर लेते हैं प्यार की देवी के खुद के लव लाइफ के बारे में। तो एक्चुअली गॉडेस ऑफ लव बस नाम की थी क्योंकि उसके अलग अलग लोगों से अफेयर चलते रहते थे। तो उसके बाप ज्यूस ने उसे हेफेस्टस के गले बांध दिया शादी करके। अब वैसे तो हेफेस्टस गॉड्स के लिए अच्छे अच्छे हथियार बनाता था, जैसे ज्यूस का लाइटनिंग बोल्ट, पर बेचारा एफ्रोडाइट को कभी अपने प्यार में नहीं गिरा पाया, और वो लट्टू थी गॉड ऑफ वॉर एरिस पर। और एरिस और एफ्रोडाइट छुपकर अपना अफेयर चालू रखे हुए थे।
बेचारे हेफेस्टस को इतना गुस्सा आया कि उसने उन्हें एक दिन बेड पे बांध दिया अपने जाल से जब वो कांड कर रहे थे और बाकी गॉड्स को बुला के उनके कांड सबके सामने दिखाए। पर एफ्रोडाइट को घंटा फर्क नहीं पड़ा और उसने एरिस के साथ अपना अफेयर चालू रखा। कई बार तो उसने अपने बाप ज्यूस के साथ भी अफेयर किया है। अब एफ्रोडाइट का बेटा था इरोस। वो तुम कई मूवीज में देखते होगे ना, बच्चे जैसे पंख वाला बंदा जो तीर मार के लोगों को प्यार में गिरा सकता है। हाँ जी, वो एफ्रोडाइट का ही बेटा था और वो उसका यूज करती थी बदले में। जैसे मान लो कि तुमने बोला कि मैं गॉडेस को चढ़ावा चढ़ाऊंगा, बस वो बंदी मुझे दिला दो, और उसके बाद वो लड़की तुम्हारे प्यार में गिरने और तुम्हें मिलने के बाद भी तुम चढ़ावा ना चढ़ाओ तो एफ्रोडाइट इरोस की मदद से उस बंदे की वाइफ को दूसरे लोगों के प्यार में गिरा देती थी। पर एक बार क्या हुआ कि एफ्रोडाइट को पता चला कि एक लड़की है साइक नाम की जो एफ्रोडाइट को कंपटीशन दे रही है खूबसूरती के मामले में। तो एफ्रोडाइट ने इरोस को भेजा कि जा अपने तीरों से इस औरत को किसी बदसूरत जानवर के प्यार में गिरा दे। और इरोस तो खुद साइक के प्यार में गिर गया और वो किसी छुपी हुई जगह पे उसे ले गया अपनी बीवी बनाने। पर एक बार साइक से कुछ गलती हो जाती है और इरोस गुस्से में उसे छोड़ देता है। फिर जब साइक ने एफ्रोडाइट से मदद मांगी तो एफ्रोडाइट पहले से ही गुस्सा थी और उसने साइक को बुरी तरह टॉर्चर किया टास्क के नाम पे कि ये सब कर तो ही तेरी बात सुनी जाएगी। पर ये तो कुछ भी नहीं, क्या है कि ग्रीस में अगर तुम बड़े हो चुके हो तो तुम्हें एफ्रोडाइट को पूजना ही होगा क्योंकि वो लव और सेक्स की देवी थी। अब एक प्रिंस को सिंगल रहने का शौक था तो उसने एफ्रोडाइट की पूजा नहीं की, तो गुस्से में एफ्रोडाइट ने उस प्रिंस की जो स्टेप मदर थी उसके अंदर अपने ही बेटे के लिए हवस भर दी। पर प्रिंस ने फटाफट अपनी माँ को मना कर दिया और हवस की मारी माँ सुसाइड कर गई और पीछे लेटर छोड़ गई कि उसके बेटे ने उसका रेप किया है। इस पे गुस्से में उस प्रिंस का बाप उस प्रिंस की मौत का कारण बना और एफ्रोडाइट के छोटे से गुस्से की वजह से उसका पूरा घर तबाह हो गया। तो एफ्रोडाइट अगर अपना लव स्पेल किसी पे भी डालती है तो वो सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एक प्रिंसेस थी मडेया नाम की, तो जब वो एफ्रोडाइट के लव स्पेल की वजह से जेसन नाम के एक दुश्मन प्रिंस के प्यार में गिरी तो उसने अपने ही भाई को मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसके बाद में जब जेसन ने उसे प्यार में धोखा दिया तो उसने अपने ही दोनों बच्चे जो उसने जेसन के साथ किए थे और जेसन की नई लवर को भी जान से मार दिया। तो एफ्रोडाइट ने कई अच्छे काम भी किए हैं, पर दूसरे ग्रीक गॉड्स की तरह वो भी एक लव की गॉडेस कम और जलन की देवी ज्यादा थी। इसीलिए ग्रीक माइथोलॉजी में एक ही बंदे का प्यार सफल हुआ है और वो था हेडीज, नरक का देवता, ज्यूस का भाई, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि ऊपर की दुनिया में क्या चल रहा है। उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड थी जो आधा टाइम धरती पर अपनी माँ के साथ बिताती थी और आधा टाइम नरक में उसके साथ, फिर भी वो इधर उधर कहीं मुंह मारने की नहीं सोचता था। कभी कभी लगता है कि वो बंदा ग्रीक से था ही नहीं, क्योंकि ग्रीक गॉड्स में ऐसे सुलझे हुए गॉड्स कब से आ गए। मेड्यूसा ग्रीक माइथोलॉजी की वो औरत जो एक ही नजर में सबका हार्ड कर देती है। बड़ा हरामी हो बेटा। सबको हार्ड कर देती है पत्थर में बदल कर। और जो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि रशियन माइथोलॉजी पे वीडियो लाओ, तो उसका भी जुगाड़ चल रहा है, क्योंकि अब तुमने बोला है तो उस पे तो वीडियो लाना ही पड़ेगा। तब तक तुम चाहो तो मेरे लिए रशियन ला सकते हो या फिर सुपर थैंक्स कर देना, मैं खुद ही मंगा लूंगा। और वैसे तो ये कहानी बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन आजकल बच्चे एनिमे के नाम पे न जाने क्या क्या देखते हैं, तो मैं कौन होता हूँ उन्हें रोकने वाला। तो एक्रीसियस नाम का एक राजा था जिसने भविष्य देखने वाली से पूछा कि क्या मेरा कोई बेटा होगा भी या नहीं। इससे पहले कि मेरे नीचे वाली लाठी बजना बंद कर दे, मुझे मेरी राजगद्दी के लिए वारिस चाहिए। तो वो बोलती है कि ओह टेंशन ना ले, तेरी बेटी डने तुझे वारिस देगी और वो नया राजा जरूर बनेगा तुझे मारने के बाद। तो उस बूढ़े राजा की पट गई और उसने अपनी बेटी को कैद कर लिया। पर एक दिन ज्यूस को पता चला कि इस कैद में एक हॉट सी लड़की है और ज्यूस ठहरा ज्यूस। वो कैद में जाके सेक्स करके वापस अपने रोज के डिनर की ओर निकल चला। अब 9 महीने बाद उस बूढ़े को कैद से बच्चे के रोने की आवाज आई। अब ग्रीक में ये नॉर्मल था कि ज्यूस या उसका भाई आते जाते किसी के भी साथ रात बिताते थे, तो वो बूढ़ा उन्हें मार तो सकता नहीं था, तो उसने उन दोनों को समुद्र में छोड़ दिया। अब ज्यूस को फिर से अपनी एक्स दिखी तो वो उन्हें एक आइलैंड पे ले गया किसी मछुआरे के पास, और अपना लौंडा पर्सियस उसी आइलैंड पर बड़ा हुआ। पर उस मछुआरे का एक भाई था जो उस आइलैंड का राजा था। उसने एक दिन पर्सियस को खाने पे बुलाया इस प्लान से कि वो पर्सियस को आइलैंड से गायब कर देगा तो उसकी हॉट माँ मेरी हो जाएगी, क्योंकि पर्सियस रास्ते से हट जाएगा तो फिर उसे रोकेगा कौन। और उस पार्टी में उस राजा ने पर्सियस को बाटली में उतार लिया कि जा तू मेड्यूसा का सर लेके आ मेरे लिए।
और पर्सियस बेवकूफ ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो सवाल ये आता है कि मेड्यूसा थी कौन? मेड्यूसा तीन बहनों में से अकेली थी जो अमर नहीं थी। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी कि अथीना भी उससे जलती थी, पर वो अथीना के मंदिर की पुजारन बन गई। अथीना के लिए ये ऐसा था जैसे उसके घर में घुस के सबकी फेवरेट बन गई हो मेड्यूसा। तो जब पोसाइडन ने उसी मंदिर के अंदर मेड्यूसा के साथ संबंध बनाए जिसमें मेड्यूसा कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि पोसाइडन था तो ज्यूस का ही भाई, तो पहले से जल के काली हो चुकी अथीना ने श्राप दिया कि तूने मेरे घर को गंदा किया, अब तेरा घर कभी नहीं बसेगा। मतलब मेड्यूसा दिखने में पहले जितनी खूबसूरत नहीं रही, और उसके सांप वाले बालों से वो जिसे भी देखती वो पत्थर में बदल जाता। अब जब पर्सियस उसे मारने जा रहा था तो रास्ते में उसे ज्यूस के बच्चे मिले, अथीना वगैरह, और उन्होंने उसे तलवार, कांच, जूते, मतलब पावरफुल आइटम्स दे दिए और उससे बोला कि तुझे कुछ और मिशंस करने होंगे इससे पहले कि तू मेन बॉस को हरा सके। और फिर वो निम्स के पास गया। निम्स को तुम जलपरियां मान लो। तो उन्होंने पर्सियस को हेलमेट दिया जिससे कि वो गायब हो सकता था, ताकि वो बिना किसी को पता चले मेड्यूसा की गुफा में घुस जाए। और नहीं, मैं यहाँ लिटरली गुफा की बात कर रहा हूँ। फिर वो अंदर घुस तो गया और उस कांच की मदद से बिना मेड्यूसा की तरफ देखे उसका सर काट दिया, और मेड्यूसा के सर से निकला एक घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा पेगासस। अब मुझे मत पूछना कि उसकी बॉडी के अंदर इतना बड़ा घोड़ा क्या कर रहा था। तो पर्सियस उसका सर लेके अपने घर को निकला, पर रास्ते में उसे एंड्रोमेडा दिखी, चैन से बंधी हुई एक समुद्री राक्षस का खाना बनने वाली थी जो। तो पर्सियस ने बस मेड्यूसा के सर का यूज किया और उस राक्षस को पत्थर में बदल दिया। बदले में उसने एंड्रोमेडा से शादी कर ली। फिर पर्सियस वापस आया और उसने उस किंग को भी पत्थर में बदल दिया, क्योंकि अपनी माँ को भी तो सेफ रखना था। और अगर तुम पर्सियस के दादा उस बूढ़े की सोच रहे हो, तो पर्सियस उसे मारना नहीं चाहता था, पर एक डिस्क फेंकने वाले गेम में पर्सियस की डिस्क उस बूढ़े को लगी और वो वहीं टपक गया। और फिर पर्सियस अपनी माँ और बीवी के साथ रहने लग गया, और ज्यूस वापस से अपने काम धंधे पर लग गया, जो कि तुम जानते ही हो क्या है। अब ग्रीक माइथोलॉजीज के कुछ वर्जन्स डिफरेंट हैं, जैसे एक में मेड्यूसा पहले से ही एक गॉर्गन थी। तो ये मत सोचना कि ये वाला गलत है, बस दो ओल्ड अलग अलग ग्रीक कहानियां हैं, तो मुझे जो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मैंने वो उठा ली। लिखा तो ये सब है ही उनकी माइथोलॉजीज में। तो हमने बात की थी एफ्रोडाइट की, यानी गॉडेस ऑफ लव की, जिसकी हवस ने पूरे ग्रीक में अपने निशान छोड़ दिए थे, और हेडीज की धर्म पत्नी परसेफनी की, जो अंडरवर्ल्ड की क्वीन थी। पर आज बात करते हैं ऐसे कांड की जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक बार की बात है, एक ह्यूमन थी मर्रा, जो एक वर्जिन थी गॉडेस अथीना की तरह, और हमेशा लड़कों को दूर भगाती रहती थी, उनके प्रपोजल ठुकराती रहती थी। अब ये देख के एफ्रोडाइट को लगी आग, क्योंकि वो प्यार और हवस की देवी थी। अब कोई प्यार ही नहीं पाना चाहता, तो उसको गुस्सा आ गया। तो एफ्रोडाइट ने क्या किया कि उस बेचारी औरत को अपने ही बाप की हवस में डाल दिया। अब मर्रा एफ्रोडाइट के जाल में फंसी, हवस में पागल बस तरीके ढूंढने लगी अपने ही पिता को फंसाने के, और वो कामयाब भी हो गई जब उसने किसी तरह उसे संभोग पाने के लिए मना लिया। पर जब तक उसके बाप को अकल आई, कांड हो चुका था। तो उसके बाप ने उसे मारने की कोशिश की। अब मर्रा बेचारी गॉड से भीख मांगने लगी कि मुझे बचा लो। अब ससुरे ग्रीक गॉड शुरू से ही बहुत अजीब थे, तो उन्होंने उसे एक पेड़ में चेंज कर दिया, और वो कहलाई मर्ट्री। अब पेड़ बने हुए ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जो कहलाया एडोनिस। और मैं बता रहा हूँ, तुम्हें ये बंदा बहुत पसंद आएगा। तो एफ्रोडाइट ने उस बच्चे को परसेफनी को दे दिया पालने के लिए। अब ये बहुत ही ज्यादा एपिक बात थी कि एक इंसान अंडरवर्ल्ड में गॉड्स के हाथों बड़ा हुआ, और वो कतई ज्यादा हैंडसम था, यानी कई गॉड से भी ज्यादा अच्छा दिखने वाला। अब वो बड़ा होने के बाद धरती पर भी जाने लगा, ताकि वो शिकार वगैरह कर सके। अब वहीं एक बार जब वो धरती पे गया, तो वो एफ्रोडाइट को दिख गया। उसकी सुंदरता के आगे एफ्रोडाइट पागल हो गई कि एक इंसान ऐसा कैसे दिख सकता है, और एफ्रोडाइट का बेटा उससे जलने लगा, पर गलती से उसका प्यार वाला तीर चल गया, और अभी तक एडोनिस पे क्रश कर रही एफ्रोडाइट उसके प्यार में गिर गई। अब एफ्रोडाइट एडोनिस के पास गई और उसे सेड्यूस करने लग गई। अब एफ्रोडाइट लस्ट और लव के साथ साथ गॉडेस ऑफ ब्यूटी भी थी, तो एडोनिस ने उसे साइड करने की कोशिश नहीं की, और दोनों का संबंध संभोग चालू हो गया। और एफ्रोडाइट ने लिटरली बाकी गॉड्स को ये बोल दिया कि ये माल पे बस मेरा हक है। और वहीं इरोस, जो एफ्रोडाइट का बेटा था, वो हद से ज्यादा जल रहा था, और एफ्रोडाइट का पुराना लवर एरिस भी जल रहा था। तो जब इरोस से रहा नहीं गया, तो उसने परसेफनी पर तीर मार दिया, और कल तक जो एडोनिस को पाल रही थी, माँ की तरह प्यार कर रही थी, आज वो एडोनिस के प्यार में पड़ गई थी।
और वहीं एरिस ने एक जंगली सुअर की मदद से एडोनिस पे हमला कराया, और इसके चलते जब तक एफ्रोडाइट वहां पहुंची एडोनिस मर चुका था। और जब एडोनिस मरने के बाद अंडरवर्ल्ड में पहुंचा तो परसेफनी, जो अभी भी इरोस के तीर के जादू में थी, उसने एडोनिस को एक कमरे में बंद कर दिया। और हर रात जब उसका पति हेडीस सोने जाता तो वो उस कमरे में जाती और एडोनिस के साथ संभोग करती। एडोनिस ये करना नहीं चाहता था, पर वो बस पिंजरे का एक पक्षी बनकर रह गया था। और इधर एफ्रोडाइट हेडीस से एडोनिस की मांग करती है कि उसे अंडरवर्ल्ड से वापस धरती पर भेजे, और जब वो नहीं माने तो उसने बोला कि वो प्यार को ही इस दुनिया से मिटा देगी, बस नफरत बसेगी हर दिल में। और उसने ऐसा ही किया, इतना कि ज्यूस को खुद बीच में कूदना पड़ गया, क्योंकि ज्यूस को भी तो माल चाहिए था टाइम टू टाइम, तुम तो जानते ही हो ज्यूस का नेचर। और आप तो मेरा नेचर जानती हो, और लेडीज लोग तो सब चेक करती है, कहीं लूज तो नहीं है, साइज तो ठीक है, साफ दिखाना पड़ता है, ऐसे ही 40 साल से धंधा नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इसने जो परसेफनी के साथ किया वही आइडिया यहाँ पे भी लगाया कि एडोनिस साल के 3 भाग जिएगा, एक भाग अंडरवर्ल्ड में, एक भाग एफ्रोडाइट के साथ, और एक भाग जहाँ भी उसका मन करे। और जब कभी भी एडोनिस को जैसे एफ्रोडाइट अपने पास ज्यादा दिन रख लेती तो सर्दियां लंबी हो जाती, या परसेफनी अपने पास ज्यादा दिन रख लेती तो गर्मियां लंबी हो जाती, और एडोनिस बेचारा अब इमॉर्टल बन चुका था, ताकि दोनों गॉडेस हमेशा लड़ती रहें, परसेफनी बिना हेडीस को पता चले और एफ्रोडाइट सबके सामने उसके मजे ले, और बचा हुआ टाइम ही अब उसकी जिंदगी थी। और उस बेचारे को ये कुछ भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो कुछ लोगों की तरह हॉर्नी नहीं था जो दो गॉडेस के बीच पिसने के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये थी कहानी एक लव और लस्ट की माइथोलॉजी की ग्रीक से। क्या तुम्हें पता है इंसान धरती पे कैसे आए? नहीं, इस स्टोरी में हम लोग बंदरों से इवॉल्व होके नहीं बने, वैसे बंदरों वाली हरकतें करते तो हर जगह दिख जाएंगे। और नहीं, इस कहानी में हम एडम और ईव से भी नहीं आए, जहां दो हॉर्नी कपल ने संभोग करके पूरी दुनिया बना दी। मतलब टॉम क्रूज मेरा ही दूर का भाई है, ये क्या बात करता है यार। पर आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी की, और सॉरी पहले ही अगर कोई फीमेल इससे ऑफेंड हो जाए तो, क्योंकि ये मैंने नहीं लिखी। तो स्टार्ट में जो टाइटंस थे प्रोमिथियस और एपिमिथियस ने इंसानों, मेरा मतलब इंसानी मर्दों को क्रिएट किया, क्योंकि वो बोर हो रहे थे, पर ज्यूस ने टाइटंस के साथ लड़ाई में उन इंसानों को मिटा दिया और खुद के इंसान बना दिए, और इस बार भी मर्द ही बनाए, बड़े मर्दाने शौक थे उनके। अब क्योंकि धरती पे ठंड बहुत थी तो प्रीमिथियस ने सोचा कि इंसानों की मदद करनी चाहिए, तो उसने उन्हें दे दी गॉड्स की जो स्पेशल फायर थी वो। अब उसे पता था कि उसे इस कांड की सजा तो जरूर मिलेगी, तो उसने अपने भाई से बोला कि भाई कुछ भी हो जाए ज्यूस से दूर रहना, और अगर वो कुछ दे तो मत लेना। पर ज्यूस को बदला तो लेना ही था इंसानियत से, तो मर्दों को सजा देने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उन्हें एक औरत दे दो। देखो ये ऊपर वाली लाइन मजाक थी, इसे सीरियसली मत लेना, और ये वीडियो महिला आयोग वालों तक मत पहुंचा देना, वरना ग्रीक की जगह मेरी दुख भरी माइथोलॉजी सुनानी पड़ेगी, वो भी जेल से। तो ज्यूस ने अपने कारीगर से बोला कि एक सेक्सी सी औरत बना, और उसने ऐसा ही किया, उसने बनाया पैंडोरा को, पहली इंसानी औरत। तो देवी देवताओं ने उसकी गोद उपहार से भर दी, किसी ने उसे अच्छे कपड़े गहने दिए, और किसी ने उसे दुनिया जहां से खूबसूरत बना दिया। और ज्यूस ने पहले तो उसे एक बॉक्स दिया, सुंदर सा बॉक्स जिसे तुम सब पेंडोरा के बॉक्स के नाम से जानते ही हो, और बोला कि ये इंसानी मर्दों के लिए गिफ्ट है। और फिर उसने पेंडोरा को एपिमिथियस के पास भेजा एक गिफ्ट के रूप में, और जब पेंडोरा टाइटन के हाथों में पहुंची तो वो इतना बड़ा सिंप बन गया कि पहली औरत को देख के ही वो भूल गया कि उसके भाई ने उसे क्या वचन देने को कहा था, कि भगवानों से कुछ मत लेना, चाहे वो 3 रात 4 दिन की रशिया में छुट्टी मनाने की टिकट ही क्यों ना दें। पर एपिमिथियस तो मस्त उसे अपने कैसल में ले गया और दिखाने लगा कि धरती कितनी सुंदर है, पर पेंडोरा का मन तो उस बॉक्स पे लगा हुआ था कि इसके अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है जो गॉड्स के किंग ने अपने हाथों से ये मुझे दिया, और वो फेल हो जाती है अपने आप को कंट्रोल करने में। अब इससे पहले क्या था कि जो इंसान थे वो प्योर थे, जैसे हमारी बुक्स में बताया जाता है कि पहले युग के इंसान कैसे थे, उनके अंदर कोई निगेटिव एनर्जी नहीं थी और वो हर पाप से परे थे, उनसे शुद्ध कोई नहीं था और उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं थे, पर ज्यूस ने तो उन्हीं दागों से उस बॉक्स को भरा था।
यानी लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, घमंड और भी बहुत सारी इविल चीजें। अब जब पेंडोरा ने वो बॉक्स खोला तो वो चीजें सब बाहर आ गई। अंधेरा सा छा गया पेंडोरा के आसपास और बॉक्स खाली हो गया, क्योंकि उसके अंदर की सारी बुराई बाहर निकल चुकी थी। भुखमरी हर जगह फैल चुकी थी, लालच अब सब चीजों का राजा था। इंसान अब डर में जीते थे, बीमारियां फैलना स्टार्ट हो गई थी, मतलब मर्दों की दुनिया अब तबाही की ओर बढ़ रही थी। पेंडोरा दुखी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने बॉक्स को देखा तो उसके अंदर एक चीज बच गई थी और वो था सुपरमैन। मेरा मतलब बॉक्स में नीचे ही नीचे थी होप, उम्मीद। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। और वही होप फिर पूरी दुनिया में फैली। ज्यूस ने पेंडोरा फर्स्ट वुमन के जरिए दुनिया में तबाही तो ला दी, पर उसने लोगों को लड़ने का और आगे बढ़ने का एक चांस भी दिया था उम्मीद के जरिए। और यही कहानी है आज की, जहाँ होप ही ह्यूमैनिटी को ताकत दे रही है आगे बढ़ने के लिए। तो ज्यूस के कितने लवर्स थे, तो मैं रिसर्च करने लग गया कि ज्यूस ने किस किस को पेला है, पर लिस्ट इतनी लंबी थी कि क्या ही बोलूं। उसने अपनी सगी बहनों से लेके अपनी अंटी, अपनी चचेरी ममेरी बहनों से, फिर भटकते भटकते उसकी नजर जिस भी गॉडेस, प्रिंसेस या इंसान पर पड़ी, चाहे उसके लिए उसे जानवर में ही क्यों ना बदलना पड़ा हो। यहाँ तक कि उसने अपनी पुरानी गॉडेस, अपनी ही दादी गाया को भी 2 बार प्रेग्नेंट कर दिया था गलती से। अब गलती से कोई किसी को कैसे ही प्रेग्नेंट कर सकता है जब तक कि तुम ज्यूस ना हो। और यही नहीं, उसने लड़कों के साथ भी अफेयर किए, पर उसका भाई और बेटे भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। फिर ज्यूस को ही सबसे ज्यादा बड़ा हरामी हॉर्नी क्यों माना जाता है, तो उसका एक्चुअल रीजन है वो पैदा ही वार से हुआ था। अपने ही क्रिएटर्स की बलि चढ़ाना, टाइटंस और जायंट्स को बचाना, ज्यूस की स्टार्टिंग लाइफ हमेशा लड़ाई में गई थी। तो एक बार किंग बनने के बाद जब शांति स्थापित हुई तो वो खुद को शांत नहीं रख पाया, वो आराम नहीं कर पाता था, उसके पास रिलैक्स करने की एबिलिटी ही नहीं रह गई थी। और ऊपर से क्योंकि वो एक ही जगह रहता था, तो इसका मतलब था उसे अपनी वाइफ्स के साथ कमिट करना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा हमेशा। और ज्यूस को बोर होना पसंद नहीं था, अपने सैलमोन भाई के जैसे उसको हमेशा चाहिए रहती थी, उसे हमेशा कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए रहता था, कुछ भी जो उसे मजा दे सके। और उसके अलावा उसके पास वो ईगो था कि वो सबसे पावरफुल है, और उसका ये पूरा जो स्ट्रगल था इसने जन्म दिया रोमांस को। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था रोमांस की देवी के बारे में, तो ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अंदर से रोमांस से भरे हुए हैं, उनकी बॉडीज परफेक्ट है और वो हमेशा अट्रैक्टिव बॉडी को और सुंदर बनाते रहते हैं, उनको देख के कोई पीछे हट ही नहीं सकता। पर उनसे अलग ज्यूस में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके अंदर रोमांस की भूख नहीं है और ना उसकी बॉडी रोमांस ढूंढती है। ज्यूस को इसका थ्रिल पसंद है जब वो अपने काम से हटके, अपनी बीवियों से हटके किसी के साथ रात बिताता है। तभी तो अगर तुम ज्यूस की कहानी सुनोगे तो तुम जानते हो कि उसकी वाइफ हेरा उसके हर अफेयर को कर्ज दे देती है, पर ज्यूस से मुश्किल से कुछ बोलती है तो ज्यूस पूरा कोठा खोल सकता है खुद के लिए, पर सेक्सुअल संबंध बनाना उसकी प्रायोरिटी है ही नहीं। वो बंदा थ्रिल चाहता है, वो जब भी कोई शिकार ढूंढता है तो जानवर बन जाता है, अपनी बॉडी की शेप चेंज कर लेता है, मतलब उसे हर किसी से एक नया एक्सपीरियंस चाहिए। उसका इंटरेस्ट सोने से ज्यादा लड़की के पीछे पड़ने में और ड्रामा में है, जैसे तो वो कोई इंटरेस्टिंग मूवी शूट कर रहा हो, इसीलिए वो जबरदस्ती भी करता है। तो बेसिकली ज्यूस हॉर्नी नहीं है, वो बस अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट चाहता है और बताना चाहता है कि उसकी पावर सबसे ऊपर है। तो यस, चाहे वो गॉड्स का राजा हो, पर वो बस एक ईगो वाला थ्रिल का भूखा बुड्ढा है। अब सवाल ये आता है कि ग्रीक गॉड्स का अंत कैसे हुआ। तो जो एरिस था, हमेशा लड़ाई में घुसे रहने वाला बंदा, उसका कहर बढ़ता जा रहा था। जब सारे गॉड्स ने उसे रोकने की कोशिश की तो गॉड ऑफ वॉर एरिस ने सबको हरा दिया, और ज्यूस ने अपनी जान बचाने के लिए एरिस को दुनिया के साथ कुछ भी करने के लिए खुला छोड़ दिया, और इस तरह ओलंपस का अंत हुआ। अब तुम लोग यही सोच रहे होगे कि इन ससुरों को गॉड्स क्यों बोला जाता था, इनके अंदर तो काम, क्रोध, वासना, हवस सब चीज भरी पड़ी थी कूट कूट कर। एक्चुअली आज से 2700 या 2800 साल पहले ग्रीक माइथोलॉजी को होमर और हेसियोड ने मिलकर लिखा था, और इनके गॉड्स को एंथ्रोपोमॉर्फिक वर्जन ऑफ गॉड्स भी बोला जाता है। एंथ्रोपोमॉर्फिक मतलब होता है ह्यूमन की तरह बिहेव करने वाला, जिसके अंदर गुस्सा हो, जिसके अंदर जलन हो, काम वासना हो, एक दूसरे से चिड़न हो, और हाँ, प्यार मोहब्बत भी हो। तो अगर तुम सारे ग्रीक गॉड्स को देखोगे तो तुम्हें हर तरह के ह्यूमन नेचर के लिए एक फेमस गॉड मिल जाएगा।
तो ग्रीक माइथोलॉजी के ज्ञाता ये भी मानते हैं कि ग्रीक गॉड्स ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। इंसान किसी भी तरह का हो, अच्छा बुरा या बेवकूफ, ग्रीक गॉड्स ये सब पहले ही कर चुके हैं और वो इंसानी संसार का आईना है, जो अगर तुम देखो तो सही भी है। पर इससे ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हॉलीवुड ग्रीक माइथोलॉजी को काफी तोड़ मरोड़ कर दिखाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।